के पथरगामा प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन के दौरान आज कर्फ्यू जैसा नजारा देखने को मिला। आइए हम जानें इस माहौल पर पथरगामा थाना के एएसआई अशोक कुमार के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ठाकुर से किए गए बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, समाचार आज तक में आपका स्वागत है। आज आप गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र में आप देख रहे हैं, आज थाना पथरगामा थाना में आज मैं बैठा हूं और यहां के अशोक कुमार के साथ। आइए इनके बारे में कुछ, यहां इस प्रखंड में क्या क्या हुआ, कितने एफआईआर हुए, क्या क्या जानकारी आपको ये दे सकते हैं कि आप कोरोना से कैसे बचें, कैसे आपको घर में रहना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। और गांव देहात के सुदूर देहाती में जहाँ तक यदि अगर बात नहीं पहुँची है वहाँ तक भी पहुँचाना है हम लोग को, तो इनसे कुछ जानते हैं। क्या सर, आप लोग अभी जैसे कि गश्ती तो लगाते ही होंगे, है ना? हाँ, हम लोग गश्ती गाड़ी डेली जैसे मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में भी गाड़ी जाती है। तो हम लोगों का कोशिश रहता है कि जो आम जनता है वो ज़्यादा बेवजह रोड पे ना निकले, ज़रूरी काम है वही बाहर निकल रहे हैं और पूछताछ के बाद हम लोग उसको छोड़ दे रहे हैं। बाकी गश्ती गाड़ी हमेशा दूर गांव सुदूर में भी जाकर लोगों से हर बार ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और अति आवश्यक हो, अभी मेडिकल का कोई काम हो तभी बाहर जाएं। जी, ऐसा है कि अभी आपके यहाँ पर कुछ बैठे हुए थे, आप लोगों ने लाया है, उनका क्या रीज़न था कि उन लोगों को आपने पकड़ा है? उन लोगों का आवेदन दिए हैं, एक कुछ मामला है, वही अभी गश्ती गाड़ी हमारी जा रही है उनको पूछताछ करने के बारे में। एक लड़की आई हुई है उसी को लेकर कुछ मैटर है, तो गश्ती गाड़ी जाके पता कर रही है। सर भी मामला को, प्रभारी सर हमारे जो है मामला को सुने, उसके बाद सर ने आगे निर्देश दिया, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा है कि लोग अभी मुंबई से, दिल्ली से और हावड़ा से, कोलकाता से लोग आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, बहुत कुछ मैंने देखा अभी पैदल आते हुए, तो उसके लिए प्रशासन क्या सुविधा कर रही है? हमारे यहाँ पथरगाँव में तो उसके लिए अभी जैसा बात हो रहा था हमारे वीडियो सर से, सीओ सर ये सबसे मिल के, कि उसके लिए दाल भात का जो योजना चल रहा है या फिर हम लोग उसके लिए एक स्कूल खुलवा रहे हैं, जो भी शेल्टर बाहर से आ रहे हैं उसको ठहरने का प्रबंध किया जा रहा है, उसको खाने पीने का सुविधा मुहैया करवा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। अगर यदि आप लोग को पता चलता है कि सुदूर देहाती क्षेत्र में कि वहाँ से 10-12 मजदूर इसी तरह बिना टेस्ट के आ गए हैं, वहाँ बिना इलाज के पहुँच गए हैं, तो उसके लिए कोई व्यवस्था उसके लिए? वैसा तो अभी तक हमारे क्षेत्र में वैसा हम लोगों के पास अभी ट्रेस नहीं हुआ है, लेकिन अगर वैसा कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करके या फिर उच्च अधिकारी को, प्रशासन को कॉल करके उसको तुरंत हम लोग गुड्डा चिकित्सालय में ले जाया जाएगा उसे, और वहाँ उनकी जाँच करवाई जाएगी, उसके बाद ही उसको सैनिटाइज कर या फिर क्वारंटाइन जो भी करना डॉक्टर जैसा आदेश देंगे उसके अनुसार उसको FIR किसके लिए करें। जैसे कि धड़ल्ले से जो मनमानी ढंग से चल दिया घर से बिना वजह से, आप कि कोई रीज़न उसका नहीं है कि वो घर से क्यों निकला, उसके ऊपर कुछ भी ऐसा कार्रवाई हुई है? एक दो भी कुछ ऐसा मिला? नहीं, हमारे थाना क्षेत्र में अभी तो उस तरह के कोई मामला सामने नहीं आई है। इसको लेकर हम लोग हमेशा लोगों को जागरूक किए हैं, जिसका हम लोगों को जो फल है वो अच्छा मिला है, रिस्पॉन्स है सबका, पब्लिक का, और अभी बहुत हद तक कंट्रोल में है। आगे अगर वैसी कुछ होती तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ के SI अशोक कुमार हैं, इन्होंने बताया कि काफ़ी दुरुस्त व्यवस्था की गई है यहाँ पर, जो बाहर से आ रहे हैं उसके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की सुविधा और तमाम उसकी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, ये सब काफ़ी सुविधा यहाँ पर पथरगामा क्षेत्र में दी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि और काफ़ी ग्रामीण को भी जागरूकता अभियान चलाया गया है कि आप इस कोरोना से बचें, आपको घर में ही रहना है और बिना वजह से आप ना निकले, ये हमारे पथरगामा क्षेत्र के SI अशोक कुमार की तरफ से दी गई।